हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कंटिन्यूटी टेस्ट लैम कैसे बनती है। तो इस प्रकार एक बोर्ड ले लेना है जिसमें दो स्विच, चार 5 पिन सॉकेट और एक होल्डर हो। अब हम इस स्विच का कनेक्शन इस 5 पिन सॉकेट में हम रखेंगे, जिसे हम होल्डर में कनेक्ट कर देंगे जो कंटिन्यूटी को शो करेगा। तो चलिए हम इसका कनेक्शन शुरू करते हैं। सबसे पहले टेस्टर से होल्डर को खोल लेंगे कुछ इस प्रकार। अब होल्डर में दो तार जोड़ेंगे बोर्ड के पीछे से पास करके। अब टेस्टर के माध्यम से होल्डर को अच्छी तरह से कस लेंगे। अब बोर्ड के ऊपरी वाले हिस्से से हम वायर को पास करेंगे और एक वायर में बल के दूसरे छोर को इस तरह से कनेक्शन कर लेंगे। दो तार काट के आपस में जोड़ के एक कनेक्शन को हम स्विच में जोड़ेंगे। स्विच में एक तार को कस लेंगे कुछ इस तरह से। अब जॉइंट वाले हिस्से को स्विच के सामने वाली 5 पिन सॉकेट में इस तरह से कस लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये जो जॉइंट कसाया गया है जिस 5 पिन सॉकेट में, वो ही 5 पिन सॉकेट आपका कंटिन्यूटी बल्ब का कनेक्शन इसी 5 पिन सॉकेट में होगी। अब हम दूसरी वायर को दूसरे वाले 5 पिन सॉकेट में कसेंगे। अब बल के एक तार को सामने वाले हिस्से को फिलास से कट करके उसे सामने वाले 5 पिन सॉकेट में कस देंगे। अब मेन लाइन का एक कनेक्शन हम बल्ब में के एक तार से जोड़ देंगे और उसके बीच वाले हिस्से को वायर कटर से काट लेंगे। अब मेन कनेक्शन और बल्ब वाले तार को कस के ऊपर वाले 5 पिन सॉकेट में हम एक छोर कस देंगे। तो जिस तरह से मेन
मेन कनेक्शन से एक वायर लेके सामने वाले 5-पिन सॉकेट में हम उस वायर को कस देंगे। ठीक इस प्रकार अब मेन कनेक्शन को नीचे वाले कंटिन्यूटी को लाइन देने वाली स्विच में जोड़ेंगे। अब इसी स्विच में एक और तार जोड़ के दूसरे स्विच में कनेक्शन हम करेंगे कुछ इस प्रकार। अब ऊपर के दोनों 5-पिन सॉकेट में एक वायर से कनेक्शन करेंगे। अब स्विच का लाइन 5-पिन सॉकेट से जोड़ेंगे। अब बोर्ड को हम कस लेंगे अच्छी तरह से। हमारा कंटिन्यूटी टेस्ट लैंप विथ बोर्ड तैयार हो चुका है। अब हम इसे अच्छी तरह से कसेंगे। अब हम इसे कंटिन्यूटी से स्विच ऑन ऑफ करके अच्छी तरह से चेक कर लेंगे। ठीक है इस प्रकार। दोस्तों ध्यान रहे कंटिन्यूटी को पेन से मार्क कर लेना ताकि हमें पहचानने में आसानी हो। अब इसमें कंटिन्यूटी प्लग लगा के स्विच ऑन करके आप सभी को हम दिखाएंगे किस तरह ये कंटिन्यूटी काम कर रहा। देखिए किस प्रकार ये बल्ब जल रहा। तो हमारा कंटिन्यूटी टेस्ट लैंप तैयार हो।